इस वीडियो में हम आईटीसी शेयर के ऊपर में चर्चा करेंगे और दोस्तों आईटीसी शेयर का रिव्यू करके संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और साथ में आईटीसी शेयर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है जो एक बिजनेस ड्राइवर के रूप में साबित हो सकती है उसकी चर्चा करेंगे। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। आईटीसी के पहले फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे, जहां आईटीसी शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इसके टारगेट्स को भी निकालने की चेष्टा करेंगे। आईटीसी एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लिटिल ओवर 2,83,000 करोड़। अगर हम इसकी वोलेटिलिटी की बात करें, 1 ईयर बीटा इज अराउंड 0.8, जो इसे लो रिस्क की कैटेगरी में खड़ा करता है दोस्तों। अगर करंट डिविडेंड यील्ड देखें तो बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों, 4.67%, जो मच हायर है सेक्टर के करंट डिविडेंड यील्ड से। स्वॉट एनालिसिस स्कोर में ये 60% क्राइटेरिया में पास होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इसका पायस्ट्रॉकी स्कोर सिर्फ 4 है दोस्तों, जो वीक फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक स्ट्रेंथ के रूप में हम इसमें देख सकते हैं। पिछले 5 साल के अगर आईटीसी के परफॉर्मेंस को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है सेक्टर के रेवेन्यू ग्रोथ से मार्जिनली हायर है, वहीं नेट इनकम ग्रोथ जो है मार्जिनली लोअर है सेक्टर से। इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है, मार्केट शेयर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हायर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है दोस्तों इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लास्ट 3 इयर्स सीएजीआर ग्रोथ रेट, और वहीं हायर अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट भी है इन कंपैरिजन टू सीएजीआर ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अब आईटीसी शेयर के वैल्यूएशन पे एक नजर डालते हैं दोस्तों। इसकी करंट मार्केट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, और दोस्तों टीटीएम बेसिस पर जो पी रेशियो है वो भी सेक्टर के पी रेशियो से कम है, पीबी रेशियो भी सेक्टर के पीबी रेशियो से कम है। और करंट ईटीएम में एक गौर करने वाली बात है दोस्तों कि करंट ईटीएम बेसिस पर जो पी रेशियो है वो पिछले 3 साल 5 साल और 10 साल से कम है दोस्तों, जो इसे वैल्यूएशन टर्म्स में अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन के रूप में हम देख सकते हैं। स्टॉक प्राइस जो है दोस्तों वो 2/3 टेंजिबल बुक वैल्यू पर शेयर से कम पे ट्रेड हो रही है, जो वैल्यूएशन टर्म्स में इसे एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाता है। आईटीसी शेयर लेटेस्ट न्यूज क्या है इसे जान लेते हैं दोस्तों। आईटीसी का एक फेमस ब्रांड है दोस्तों जो फ्रेग्रेंस ब्रांड है इंगेज के नाम से, तो उसमें इन्होंने एक बहुत यूनिक चीज इंट्रोड्यूस की है, एआई टूल जिसे फ्रेग्रेंस फाइंडर के रूप में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है फ्रेग्रेंस मार्केट में दोस्तों। आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुका है, नाउ ये बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं फूड स्पेस में एंड पर्सनल केयर स्पेस में। एफएमसीजी के बिजनेस का अगर टर्नओवर देखें दोस्तों तो वो इंक्रीज किया है 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ हो गया है ड्यूरिंग द पीरियड FY17 टू FY21। चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और आईटीसी शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इसके प्राइस टारगेट को निकालने की चेष्टा करते हैं। आईटीसी शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत दोस्तों करते हैं मंथली चार्ट से। पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में से हम समझ सकें। यहां पर दोस्तों सबसे पहले देखिए इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन जनवरी 1996 से वैलिड है। प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां पर मल्टीपल सपोर्ट हम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रीसेंट टाइम में जब 2020 का बेयर मार्केट आया तो वहां पे भी प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद पहला पुल बैक होने के बाद प्राइस ने डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, जिसका अपेक्स यहां था, जिसका ब्रेकआउट फाइनली इस जगह पे हुआ जो हम प्राइस चार्ट पर देख सकते हैं। तो इनिशियली इसने क्या किया दोस्तों, 155 के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग बेस की तैयारी की, और उसके बाद दोस्तों जब इस अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ डबल बॉटम का, तो इस डाउन ट्रेंड की समाप्ति का एक कंफर्म
इंडिकेशन था। और यहां पर दोस्तों 192 का ये जो लेवल बना ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में बना। तो पिछली एनालिसिस जो आपके चैनल में की गई थी वहां पर 192 पर एक रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के बारे में चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। अब यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, प्राइस ने कई दिनों तक कई महीनों तक कंसोलिडेट किया और ये कंसोलिडेशन बैंड जो था वो था 192 से 210। तो फिलहाल के प्राइस एक्शन के अनुसार 192 से 210 का बैंड एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बैंड के रूप में प्राइस चार्ट पर प्राइस एक्शन के अनुसार हम देख सकते हैं। अब इस काउंटर ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का रिजेक्शन यहां पर रिजेक्शन है। तो मल्टीपल रिजेक्शन इंडिकेट करते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी, जिसका एक ब्रेकआउट हुआ सितंबर 2021 में। और आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जब इस इंपल्स का फॉर्मेशन हो रहा था डाउन ट्रेंडिंग मूव की समाप्ति के बाद, तो वॉल्यूम में सब्सटेंशियल सर्ज देखा गया। और वॉल्यूम में केवल सर्ज ही नहीं था, एवरेज वॉल्यूम से कहीं वॉल्यूम बहुत अधिक था दोस्तों। अब यहां पर एक करेक्शन की शुरुआत हुई और वो करेक्शन था अक्टूबर 2021 में, जिसे हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं इसको पोजीशन बिल्टअप करने के लिए, क्योंकि करंट मंथ की कैंडल फिलहाल कंप्लीट नहीं हुई है नवंबर 2021 की, लेकिन कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। और यहां देखिए ईएमए 55 को मंथली चार्ट के ऊपर में कगार पर है क्रॉसओवर के। तो चलिए अब वीकली चार्ट में चलते हैं और इस प्राइस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव में इसके टारगेट को मंथली चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ध्यान से देखें इस ट्रेंड लाइन को और इस ट्रेंड लाइन को, ये कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, या इसे बार पैटर्न के रूप में भी हम देख सकते हैं। अगर इसके आधार पर टारगेट निकालें तो अगला टारगेट इसका 312 के आसपास निकल के आता है और करेंटली ये जो ट्रेड हो रहा है करीब 229 पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब अच्छे खासे रिटर्न का पोटेंशियल नजर आ रहा है। अब दोस्तों हम रेफर कर रहे हैं आईटीसी शेयर के वीकली चार्ट को। अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद यहां कई वीक्स तक एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया हायर हाइज एंड हायर लोस का, और ये अप ट्रेंडिंग और मार्कअप फेज में ट्रेड करने लगा। क्या यहां पर हम कोई चार्ट पैटर्न देख सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन है, प्राइस ऊपर गई, इसने हेड का फॉर्मेशन किया, और इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखिए ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन है और इसका यहां पर रीसेंट टाइम में 13 सितंबर 2021 को एक ब्रेकआउट हुआ, सब्सटेंशियल सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया। केवल सर्ज नहीं, एवरेज वॉल्यूम से भी बहुत अधिक वॉल्यूम था दोस्तों। और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद में एक जो नॉर्मल थ्रोबैक होता है प्राइस ने दर्शाया दोस्तों, जो मेजॉरिटी ऑफ दी चार्ट टाइम रिवर्सल चार्ट पैटर्न में देखा जाता है। यहां पर देखिए प्राइस ने करेक्शन के बाद में ईएमए 21 के ऊपर में सपोर्ट ले रही है, जो इन विसिनिटी ऑफ नेकलाइन भी है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। तो अगर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर हम एक टारगेट निकालने की चेष्टा करें तो देखते हैं कहां तक टारगेट निकल के आता है। तो पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो इसका टारगेट दोस्तों 325-326 निकल के आ रहा है। ट्रेंड को राइट करने की प्रक्रिया में स्ट्रेटजी बनाए तो देखिए ये ट्रेंड लाइन, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, इस ट्रेंड लाइन को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो मैं इसको फाइन ट्यून करता हूं, प्राइस का सपोर्ट यहां पर भी है और अगेन प्राइस यहां पर बाउंस बैक कर रही है इस ट्रेंड लाइन के विसिनिटी से। इसका मतलब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है क्योंकि ट्रेंड लाइन के काफी करीब है और ईएमए 21 के भी करीब नजर आ रही है और टारगेट एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन रिटर्न की संभावना को दर्शाता है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट पर चलते हैं ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को समझ सकें। अब हम आईटीसी शेयर के डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं दोस्तों। यहां पर रीसेंट टाइम में हम देख सकते हैं कि अप ट्रेंडिंग मूव के बाद यहां पे काफी लंबे दौरान तक प्राइस में कंसोलिडेशन हुआ और प्राइस का जो रेंज है स्लोली एंड स्लोली नैरो होता चला गया और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, जिसका ब्रेकआउट यहां पर नजर आया। उसके बाद में
वॉल्यूम में एक अच्छा खासा सर्ज देखा गया और उसके बाद प्राइस ने अपसाइड मूव करने के बाद रीसेंट टाइम में कॉम्प्लेक्स करेक्शन की शुरुआत की, जिस करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्राइस एक्शन के अनुसार प्राइस का रिजेक्शन था, प्राइस का यहां रिजेक्शन था, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन का जो जोन है 220 से लेकर 222 का जोन जो है वो एक डिमांड जोन के रूप में नजर आ रहा है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार दोस्तों। और यहां पर दोस्तों जो बाउंस बैक हो रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है इन माय ओपिनियन कि इसमें आने वाले समय में एक अच्छा खासा अपमूव हम देख सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें, अगर हम पोजिशनल व्यू लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को हमें एक्सटेंड करके रखना चाहिए, जो हमें रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकती है और इनिशियल स्टॉप लॉस को हम फिक्स कर सकते हैं इस लाइन के नीचे। वोलाटिलिटी को कंसीडर करें या एडीआर को कंसीडर करें और उसके बाद में एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू को लेकर अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में टारगेट को निकालने की चेष्टा करें। एज ए ट्रेडर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए मैंने प्रायर इंपल्सिव वेव को एक रेफरेंस लिया और प्राइस देखिए यहां पर 127.2% एक्सपांशन लेवल के टारगेट को अचीव करके कहीं ना कहीं इस करेक्शन की शुरुआत हुई, जो मार्कअप फेज में मीन रिवर्जन प्रोसेस एक नॉर्मल प्रोसेस है जो मार्केट में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका मतलब ये बाउंस बैक जब होगा, जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, तो अगला पॉसिबल मूव इसका 274 के आसपास नजर आ रहा है, जो नथिंग बट 161.8% एक्सपांशन लेवल है प्रायर इंपल्सिव वेव के आधार पर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है, आईटीसी शेयर की एनालिसिस पसंद आई है, तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन एनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।